इजी पे प्राइवेट लिमिटेड एक पेमेंट गेटवे कंपनी है जो कि मनी ट्रांसफ़र, आधार निकासी, ऑनलाइन रिचार्ज आदि की सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी को उनके स्पॉन्सर्स बैंक एंड यस बैंक, NSDL बैंक, क्योसेरा बैंक के द्वारा ईमेल के जरिए ग्राहक की शिकायत आई कि ग्राहक के बिना जानकारी के उसके खाते से आधार कार्ड के जरिए अनधिकृत धन निकासी हुई है। जांच में ज्ञात हुआ कि AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस का अपराध में लिप्त साइबर अपराधियों के द्वारा भूलेख के वेबसाइट से ग्राहक के रजिस्ट्री पेपर को डाउनलोड कर रजिस्ट्री पेपर पर अंकित आधार कार्ड संख्या तथा अंगूठे के निशान को लिटमस पेपर पर प्रिंट करके प्रिंटिंग एनहेंसर की मदद से उक्त फिंगरप्रिंट का नकल कर उसको मार्फ करके ग्राहक के खाते से अनधिकृत रूप से पैसे की धन निकासी कर लेते हैं। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस की मदद से रोजाना 10,000 रुपये की अधिकतम धनराशि निकाली जा सकती है। ग्राहक के पैसे उसके खाते से निकालकर इजी पे कंपनी के वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसके बाद इजी पे कंपनी के वॉलेट के वॉलेट से किसी भी बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद उस पैसे को ATM से निकाल लिया करते थे। पंचशील टेक पार्क 1 येरवड़ा पुणे महाराष्ट्र में स्थित इजी पे प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के रूप में कार्यरत विकास मकवाना द्वारा साइबर अपराध थाना गोरखपुर परिक्षेत्र को डाक सूचित कराया गया कि इजी पे प्राइवेट लिमिटेड के पार्टनर बैंक से AEPS फ्रॉड ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, जिसमें ग्राहक ने बताया कि उनसे लेन देन नहीं किया था और राशि उसके बैंक खाते से डेबिट कर दी गई थी। इजी पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ग्राहक से बात करके मामले की जांच की और उनके अनुसार उनके गोरखपुर के कुछ एजेंट ने कस्टमर के आधार नंबर और अंगूठे के निशान का डाटा लेकर उनके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत पैसा निकाल लिया और फिर सारा पैसा खुद के बैंक खाता बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया। मामले की जांच के बाद उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। उपरोक्त घटना की गंभीरता के दृष्टिगत परिक्षेत्रीय साइबर थाना गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि इजी पे कंपनी पेमेंट गेटवे की सुविधा पूरे भारत में देती है, जिसके करीब पूरे भारत में 10 लाख एजेंट हैं और गोरखपुर में लगभग 9,000 एजेंट कार्यरत हैं जो कि आधार से पैसा निकालना मनी ट्रांसफर का काम करते हैं। उन्हीं में से कुछ एजेंट द्वारा इजी पे कंपनी के ऐप का गलत इस्तेमाल करके हैदराबाद तथा आसपास के ग्राहकों का अनधिकृत रूप से आधार कार्ड तथा फिंगरप्रिंट के माध्यम से करीब 1 करोड़ की धन निकासी की गई, जिसके बाद विकास उर्फ विक्की साहनी पुत्र विजय साहनी निवासी मकान नंबर 84 धर्मपुर कॉलोनी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर तथा अक्षय यादव पुत्र राम सकल यादव निवासी ग्राम इस्माइलपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रमुख रूप से प्रभारी निरीक्षक साइबर अपराध थाना छविनाथ सिंह, उप निरीक्षक विनायक सिंह, उप निरीक्षक उपेंद्र कुमार सिंह, उप निरीक्षक देवेंदु तिवारी, कांस्टेबल उपेंद्र सिंह, ब्रिजेश यादव, दिनेश पटेल, प्रमोद यादव, शैलेश पांडे, राजीव यादव, सर्वेश यादव शामिल थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह ने कहा, उनका ATM उनको देता था, उस ATM से पैसे निकाल के उसको देते थे और पर ट्रांजैक्शन को 5,000 मिलते थे, 5% ऑफ द ट्रांजैक्शन मिलता था। मास्टरमाइंड ये एजेंट नहीं है, ये अकाउंट्स स्क्वायर करते थे और जो वो जिन अकाउंट्स उसके पास ऑलरेडी थे उनका जो ATM देता था उससे ये पैसे निकाल के उसको देते थे। ये साउथ इंडिया के मतलब आंध्रा एंड कर्नाटका बेसिकली। ज्वेलरी भी इनके पास से मिली है और 6 मोबाइल इनके पास से मिले हैं। ये तो कभी ये तो बहुत टेंशन करते नाम से है, जिसने इसके पास कोई गाय नहीं है, सिर्फ एक रोड है, ये रेलवे चौकी के बगल में। और ये जो लड़का है अक्षय, इसमें इसका जो है जैसे होटल्स में स्टाफ सप्लाई करता है, ये गोरखपुर में ये आजमगढ़ है मतलब रेंज स्तर पर जो है जितने आस पास के जनपद है वहाँ जो होटल्स हैं उसमें ये स्टाफ सप्लाई करता है, चाहे वो वेटर्स हों या कुक हो जो भी हो। कहती है वो इनको उन खातों का ATM देता था, ये ATM से पैसे निकाल के उसको फिर देते थे, मतलब वो खुद किसी करता था, वो दूसरों लोगों से कराता था। बताता है वो एक साइबर क्राइम अपराध के संबंध में है। एक इजी पे करके कंपनी है जो पेमेंट गेटवे है, उन्हें बेस्ड है।
उसके जो एसोसिएट बैंक्स हैं उनके द्वारा इसको कंप्लेंट भेजी गई कि इनके कुछ कस्टमर्स के अकाउंट से पैसे अनाधिकृत रूप से निकाल लिए गए हैं। जब उस पेमेंट एजेंट गेटवे ने अपना जांच कराई तो उसमें कुछ एजेंट्स के नाम निकल के आए जो गोरखपुर के रहने वाले हैं। इस आधार पर उन्होंने हमें एक एप्लीकेशन भेजा रजिस्टर्ड डाक से, उस पर जाँच करके मुकदमा पंजीकृत किया और जाँच की गई तो उसमें जो बैंक अकाउंट हमें पहुँचा दिए गए थे उनके द्वारा उसके हमारे KYC पे हमने जांच की तो उसमें कुछ नंबर्स निकल के आए, उस पर हमने काम किया तो दो व्यक्ति हमें अभी गिरफ्तार किए गए हैं, उनको मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। ये कंपनी जो पेमेंट गेटवे है उसमें ये लोग इजी पे के वॉलेट में पैसा ले लेते कस्टमर का, उसका आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट का क्लोन करके और फिर उससे अपने अकाउंट ले लेते हैं। इन्होंने कुछ लोगों को हायर कर रखा है जो इनको अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं और फिर ATM उनको प्रोवाइड करते हैं कुछ अकाउंट्स का, जिससे वो पैसा निकाल करके ये जो फ्रॉडस्टर है उसको प्रोवाइड कराते हैं। पर ट्रांजैक्शन इनको 5% दिया जाता है और जो एक बंदे को हायर कर रखा है जो ATM से पैसा निकाल के देता है उसको पर डे ये 1000 रुपीज़ पे करते हैं। ये काम ये लगभग 2.5-3 महीने से कर रहे हैं और उस फ्रॉडस्टर के संपर्क में लोग करीब पिछले 6 महीने से हैं। ये आप अपने आधार जो आपके बायोमेट्रिक्स हैं उसको आप लॉक कर सकते हैं UIDAI के वेब पोर्टल पर जाकर के, और एम आधार ऐप है उसको अपने फ़ोन पर डाउनलोड करके आप उसमें दिए गए स्टेप्स के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो लॉक हो जाएंगे और फिर उनको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा।